हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना, वो मेंडल का नियम का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्लास टेंथ में आपका आता है। साइंस में आपका ये 7 नंबर में आ सकता है, या तो उससे छोटे में भी आ सकता है, जैसे 5 नंबर में वो भी आ सकता है, लेकिन 7 नंबर में अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में जरूर आता है। तो इसको आप पूरा समझ लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा जो लिखने का थियरी होता है, थियरी में आपको लेक्चर के रूप में बोलता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। जो फिगर बनता है, जो उसका सारणी बनती है, जितने भी आनुवंशिकता का, तो उसको हम बनाते जाएंगे। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट जो है ना, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको नोट भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ मैं लेक्चर के रूप में बोलता भी जाऊँगा, ठीक है? तो ध्यान देना। और बाकी अगर पिछली वीडियो चाहते हैं, तो सारे सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं दे चुका हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि इस प्रश्न को लेकर आया हूँ, ये आपका आता है, उसी तरीके से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवाता हूँ, कैसे कैसे लिखना है। तो उसका मैं यहाँ पर थ्योरी लगा दूंगा, बाकी ये आपके सामने है, ठीक है? तो मैं संतोष कुमार पटेल, और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम एजुकेशन से पर्पज़ से वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और चाहे आपका 12th तक के स्टूडेंट्स से रिलेटेड हो। यहाँ पर देखिए, मेंडल का रूल द इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऑफ द साइंस लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और 7 मार्क, ठीक है? तो मेंडल का रूल क्या था? मेंडल रूल यही था, मतलब मेंडल ने जब वो देखा कि कुछ, मतलब एक पौधे जो कि आपका कुछ प्रजाति का और एक पौधा आपका कुछ प्रजाति का, उनके वंशागत जो होता है उसको चेक करने के लिए, आनुवंशिकता को चेक करने के लिए, उन्होंने आपस में उसको क्या 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 किया, संकरण कराया, ठीक है? मतलब उन्होंने मेंडल ने मटर के पेड़ को अपनाया। कौन से पेड़ को? मटर के पौधों को उसने उस पर अपनाया। जब मटर पौधों पर उसने अपनाया, तो क्या पाया कि एक मटर मान लीजिए ये उन्होंने, और एक मटर ये, उन्होंने दोनों का क्रॉस करवाया। दोनों को क्या कराया? क्रॉस करवाया। तो ये मटर और ये मटर दोनों को क्रॉस कराने से जो इसका जो संतान निकला ना, वो जो संतान निकला ना, वो डिफरेंट टाइप का निकला। मतलब अगर ये लंबा था, ये गोल था, ये हरा था, ये पीला था, तो इसमें डिफरेंशिएट निकला, मतलब सभी में अंतर निकला। तो यही वंशानुगत का नियम जो था, जो आनुवंशिकता का नियम था ना, वही मेंडल ने दिया था कि आपको कैसे एक, जैसे कि जनकों का जो गुण होता है, जो आनुवंशिकता होती है, वो कैसे संतान में जाती है, वो कितने टाइम तक जा सकती है। यानी कि एक बार में जैसे एक जो जनक वंश हैं, अब अगला नेक्स्ट जो जनरेशन होगा उसमें क्या वंश, उसका आनुवंशिकता लक्षण जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ही जनरेशन में जाए, वो हो सकता है कि उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कुल मिलाकर लंबा प्रोसेस जाए, तब भी उसका जो वो प्रभाविता का लक्षण होता है, जो उसका लक्षण होगा, मतलब उसका जो गुण होगा, वो जाएगा उनके वंश में। यही चीज़ जो मेंडल ने सिद्ध करके दिखाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, स्टेप वाइज जो लिखा जाएगा उसको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, और जो बनाया जाएगा मैं सामने बनाता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। तो उन्होंने 3 नियम दिए, तीनों नियम सामने हैं आपका। प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम मत। दूसरा नियम था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, मतलब पृथक्करण मतलब अलगाव, और जो युग्मक बनते हैं, युग्मक की जो पता चलता है कि युग्मक में जो भी गुण पहुंच गया, वो गुण शुद्धता होता है, मतलब अगली बार जनरेशन में फिर से मिलता है, तो यही शुद्धता का नियम। फिर है स्वतंत्र अवयवन का नियम। स्वतंत्र अवयवन का नियम में आपका पृथक्करण का भी नियम, और अवयवन जो बढ़ जाते हैं फिर भी उसका गुण पड़ा रहता है, तो स्वतंत्र अवयवन का नियम होता है जो लास्ट नियम है। 3 रूल उन्होंने दिया, तीनों रूल को आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा, जो कि फिर भी आपको मान के चलिए तीन तीन पेज में, 4 पेज में लिख सकते हैं। फिगर बनाएंगे तो एक पेज में तो फिगर ही आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या था कि जब मतलब पहले नियम के हिसाब से देखते हैं, पहले रूल के हिसाब से, जब उन्होंने पहले कुछ मटर को, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, आपके जैसे एक एक मटर के कुछ शुद्ध लक्षण वाले कुछ मटर लिए, और उनको क्या क्या संकरण कराने पर देखा कि जो पीढ़ी इनकी प्राप्त हुई, जो पीढ़ी बनी, उनमें जो लक्षण थे, कुछ तो प्रभावी थे, क्या थे, कुछ प्रभावी थे और कुछ अप्रभावी थे, क्या अप्रभावी थे। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है, मैं पहले नियम को समझाता हूँ और बाकी नियम को मिटा देता हूँ, ठीक है? पहले नियम को देखिए, देखिए पहला नियम, मैंने टी यूज किया, टी किस लिए, टी का मतलब हो गया कि टॉल, टॉल मतलब लंबा पौधा, ठीक है, ध्यान दीजिए कि टी का मतलब लंबा पौधा हुआ।
और स्मॉल टी का मतलब हो गया बौना पौधा। क्या हो गया? बौना पौधा। ये यूज मैं करूँगा इस कोड को। टॉल दोनों हैं, मतलब टी के लिए टॉल मतलब बड़ा मैंने मान लिया। ये हो गया आपका लंबा पौधा, पौधा लिख नहीं रहे हैं, लंबा पौधा, और ये हो गया बौना पौधा। एकदम आसानी समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझेंगे एकदम बच्चे के। देखिए ये आपका हो गया लंबा पौधा, क्योंकि ये कैपिटल टी है तो लंबा पौधा, स्मॉल टी है तो स्मॉल मतलब बौना पौधा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पकड़ जाएंगे। स्मॉल टी का मतलब छोटा बौना पौधा और कैपिटल टी का मतलब लंबा पौधा। जब उन्होंने ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा लिया, क्या लिया? शुद्ध लंबा पौधा। देखिए यहाँ पर मैंने शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा लिया। क्या लिया? शुद्ध लंबा पौधा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल टी, ये शुद्ध क्या हो गया? शुद्ध ये बौना पौधा है क्योंकि स्मॉल में है, शुद्ध बौना पौधा, ठीक है। शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, ये दोनों हो गए। अब इसका क्या करेंगे? हम क्रॉस कराएंगे, इसका हम क्रॉस कराएंगे। और ये क्या है? जनक है। ये क्या है? जनक है। तो इनके कौन से होंगे? बच्चे होंगे। वंश इसका जो होगा, वंश होगा। ये जनक है दोनों, मतलब ये इस आपका शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना, शुद्ध लंबे पौधे को ले लिया, शुद्ध बौने पौधे को, दोनों का क्रॉस कराया, संकरण कराया। दोनों को क्रॉस कराते हैं, दोनों को क्रॉस करने पर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से अगर हम टी लेते हैं तो देखिए इसको हम टी, तो यहाँ से टी, ध्यान दीजिए यहाँ से टी और यहाँ से टी, यहाँ का टी कैपिटल टी, यहाँ का टी स्मॉल टी। ये देखिए हमारा तैयार हुआ। देखिए मैं शॉर्ट तरीके में बना रहा हूँ। और यहाँ से फिर टी लिया और यहाँ से ये वाला टी लिया। कोई भी टी कभी, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस टी को इस टी से मैच किए थे। अगर मैं इस टी को इस टी से मैच करूंगा तब भी वही, अगर इस टी को मैं इस टी से मैच करूंगा तब भी वही, अगर इस टी को मैं इस टी, मतलब कोई भी एक इसमें लेंगे, किसमें लेंगे तो हमेशा यही बनेगा टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का मतलब क्या हुआ कि वो आपका शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, और स्मॉल टी का मतलब हुआ बौना पौधा। अब बताइए वो प्रभावी लक्षण में कौन सा आएगा? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो कैपिटल में होगा मतलब बड़ा, ये टी वाला जो है कैपिटल लेटर में जो भी होगा प्रभावी लक्षण के रूप में होगा। क्या होगा? प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण होंगे। और जो स्मॉल टी में होंगे वो अप्रभावी होंगे, वो क्या होंगे? अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण जो है ना वही तो हमें लेना है। अगर प्रभावी लक्षण में जैसे प्रभाव पड़ गया, बताइए प्रभावी वाला आएगा तो उसकी वैल्यू होगी कि अप्रभावी वाला आएगा तो उसकी वैल्यू होगी? तो प्रभावी वाले जो आएंगे उसकी वैल्यू होगी, और अप्रभावी वाले के ऊपर तो मार खा जाएगा। अब प्रभावी वाला इसलिए कि प्रभावी बड़ा होगा क्योंकि प्रभाव उसका पड़ रहा है ना। देखिए टी इसमें कैपिटल टी आ गया तो प्रभावी लक्षण उसमें आ गया, प्रभावी लक्षण मतलब जो इसका प्रभाव था उस पर, इस पर पड़ गया तो प्रभावी लक्षण आ गया। तो इसका मतलब प्रभावी लक्षण कैपिटल टी, इसमें शुद्ध हुआ इसका। ये स्मॉल टी का तो है लेकिन वो उसका वो अप्रभावी लक्षण में है। स्मॉल का मतलब अप्रभावी, उसका अप्रभाव, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका अप्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव किसका पड़ रहा है? कैपिटल टी। अब कैपिटल टी है कौन? शुद्ध लंबा, मतलब यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? शुद्ध लंबे पौधे होंगे, सभी के सभी शुद्ध लंबे पौधे होंगे। लेकिन ये आपके क्या होंगे? यापोन पीढ़ी कही जाएगी। ये क्या होगी? यापोन पीढ़ी। और ये आपके शुद्ध लंबा पौधा क्या हो जाएगा? संकर जात का हो जाएगा, संकरण कराने के बाद संकर जात का हो गया। यह था प्रभाविता का नियम, यह था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यही है कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस कराते हैं, संकरण कराया जाता है, मेंडल ने कराया, तो उससे पता चला कि जो उसका प्रभावी लक्षण है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाता है। और जब प्रभावी लक्षण पहुंच जाता है तो वह शुद्ध लंबा पौधा ही होगा, मतलब जो पहले था प्रभावी लक्षण के रूप में वही उसका प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ा। तो उसका पर तो ये कारण इसलिए था कि संतान में प्रदर्शित जो लक्षण होते हैं ना वो आपका प्रभावी लक्षण होते हैं, ना कि उसमें जो लक्षण होंगे वो अप्रभावी लक्षण होंगे। प्रभावी लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी, मैंने बोला। तो यही ध्यान देना है कि कैपिटल टी यानी कैपिटल चीज़ें जिसमें आ गए इसका मतलब प्रभावी लक्षण आ गया। अभी जो अगले नियम में आएगा वो भी इसी तरीके से।
ये हो गया प्रभाविता के नियम। स्क्रीनशॉट जो लिखा जाएगा मैं वहाँ पर दिखाता जाऊँगा, उसको आप नोट कर लेना। चलते हैं दूसरे नियम पर, बढ़ते हैं यही सी चीज़ को। एफ वन पीढ़ी पर हम पहुँच गए हैं कि यहाँ पर सभी शुद्ध लंबे पौधे होंगे, सभी शुद्ध लंबे पौधे होंगे। इसको आप समझ गए होंगे, कैपिटल को हम प्रभावी लक्षण मानेंगे, स्मॉल को हम अप्रभावी लक्षण मानेंगे, कोई भी जब हम कोड यूज करें तब। ये हो गया पहला रूल। दूसरे रूल पर बढ़ते हैं, दूसरा रूल क्या है, पृथक्करण। पृथक्करण और उसके साथ साथ क्या, युग्मक शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम था पृथक्करण, युग्मकों की शुद्धता, मतलब जो पृथक अलगाव हुआ फिर भी युग्मक जो था उसकी शुद्धता भी जाहिर है। ये इसको कैसे, इसमें जो चीज़ मैंने बोला इसी चीज़ को आप समझें कि जो आपका अलगाव हुआ जब कभी भी वंश मतलब अपने जनक से जो भी चीज़ें मिली वो बहुत सारे अलगाव हुए, बहुत रूपों में संतानों में गई, पर एक ना एक संतान में तो हमें वो प्रभावी लक्षण मिला। मतलब अगर उसके पास वो चीज़ें जो थी, जो गुण था उसके पास उसके जनक में, वही गुण उसके संतान में पहुँच गई। ये चीज़ यानी कि कुल मिलाकर के आपका यही हुआ कि जैसे आपके मान लीजिए पिता है, पिता के आपके चार बेटे हैं, तो एक दो तीन बेटे में नहीं पहुंचा पर एक बेटे में वो प्रभावी लक्षण पाया जाएगा, वही कारण है इसमें, उसी तरीके से समझेंगे। तो इसका हम फिगर अगर बनाते हैं तो देखिए, मान लीजिए मैंने टी टी का आप समझ गए होंगे कि शुद्ध लंबा पौधा लिया, मैंने शुद्ध लंबा पौधा लिया, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल टी, ये आपका समझ गए होंगे क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा, अभी मैंने बनाया था ना इसके पहले, वही चीज़ मैं बना रहा हूँ, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, दोनों को मैंने जब क्रॉस कराया तो इसको कैसे, देखिए इसमें दो टी हैं तो मतलब ये एक टी ए हो गया, एक टी ए हो गया, ये दो टी इसमें होंगे, ये दो टी होंगे, और इसको मैं अलग कराता हूँ, ये स्मॉल टी और ये एक स्मॉल टी, तो ये दो होंगे इसमें, ठीक। ये देखिए तो इसको मैंने अगर अलग अलग किया तो यही ये क्या हो गया, युग्मक, इसमें के क्या हो गए, युग्मक हो गए। देखिए एक टी ए है, एक टी है, तो ये एक युग्मक ये है और एक युग्मक ये है, और ये स्मॉल टी में भी एक एक युग्मक है। अभी मैंने युग्मक बात नहीं की थी लेकिन अब इसको हम एक एक युग्मक मान लेते हैं, जैसे कि सभी आपके गुणसूत्र वगैरह होते हैं मतलब युग्मक के रूप में इसको हम समझते हैं, तो एक एक क्या हो गए, युग्मक हो गए। और ये आपका पी वन मतलब पीढ़ी वन थी इस तरीके से। अब इसमें अगर हम देखते हैं मतलब इसमें क्रॉस कराते हैं इसका क्रॉस, अब एफ वन पीढ़ी में हम इसको देखते हैं, एफ वन पीढ़ी में तो देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, सारणी बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने क्रॉस करा दिया, ये हो गया कैपिटल टी, एक युग्मक, एक युग्मक मैंने शुद्ध लंबे पौधे का ले लिया, उसके बाद मैंने इस बौने पौधे का ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले देखिए कॉलम का लिखना है, मतलब ऊपर वाली लाइन को पहले लिखना है। इस लाइन में देखिए पहले टी मिल रहा है, टी भरिए, और इधर से तो टी मिला, इधर से क्या मिला, टी मिल रहा है, स्मॉल टी। कैसे बना आपको समझना, पहले हम कॉलम खड़ी वाली लाइन को मानेंगे फिर इधर वाली लाइन को मानेंगे। पहले खड़ी वाली लाइन में क्या मिल रहा है, खड़ी वाली लाइन में टी मिल रहा है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, और इधर वाली लाइन में क्या मिला, स्मॉल टी, स्मॉल टी दी। इसी तरीके से अब इस वाली लाइन में जाते हैं, इस वाली लाइन में तो इधर से मिल रहा है टी, और इधर से क्या मिल रहा है, यही स्मॉल टी। ये मतलब इस लाइन से आएँ और इधर से भी जाएँ और जो यहाँ पर मैच हो जाए वही होगा, ठीक है। मैंने इधर से आया इस बॉक्स में और इधर से गया इस बॉक्स में, तो इस वाले बॉक्स में यहाँ से टी मिला था और यहाँ से क्या मिला, स्मॉल टी, यहाँ से इसी तरह ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी में हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें क्या हुआ, वही जो मैंने वहाँ पर समझाया था प्रभाविता का नियम, वही प्रभाविता का नियम किया, क्योंकि ये फोन पीढ़ी में पहली पीढ़ी में तो क्या होगा, सभी लंबे पौधे हुए, तो इसमें सभी लंबे पौधे होंगे, क्या होगा, सभी लंबे पौधे होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे, क्योंकि इसमें प्रभाविता का लक्षण पहुंच गया। अभी प्रभाव कैपिटल वाला चीज़ें, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, जब कैपिटल है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, जब कैपिटल वाला लेटर ना यूज हो रहा हो इसका मतलब अप्रभाविता का लक्षण है जो होना होगा वो भी होगा। तो ये आपका पहली पीढ़ी थी और इस तरीके से एफ वन पीढ़ी पर हमारा यहाँ पर है। अब एफ वन के बाद अगर हम इसको हम दूसरी पीढ़ी पर पहुँचते हैं, किस पर, दूसरी पीढ़ी पर चलते हैं, तो इसका
यहाँ बना देते हैं F2, क्या यहाँ पर F2 लिख देते हैं, ठीक है। और F2 को हम फिर से तोड़ते हैं इस वाले, यहाँ पर देखिए सभी में T कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हम स्वपरागर कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वपरागर कराएंगे, और स्वपरागर कराते हैं तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें देखते हैं तो हमारा एक निकलता है, एक युग्मक हमारा निकलेगा ये, और एक युग्मक निकलेगा हमारा ये। इसमें भी उसी तरह की एक युग्मक ये, एक युग्मक ये, दोनों युग्मक हो गए। अब दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इसका क्रॉस कराएंगे हाइब्रिडस, क्या कराएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो मतलब इसका संकरण जब होगा तो कैसे कैसे हमको इसको बनाना पड़ेगा। सेम वही कंडीशन जैसे उसमें बनाए थे, ये हमारा क्या है युग्मक है, सभी युग्मक ही हैं पहले बताएं। अब हम F1 पीढ़ी पर हैं, पहुँचे थे F2 पीढ़ी पर हैं, तो अब हम क्या करेंगे वही सारा चीज़ इसमें भी बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर कैपिटल टी, फिर उसके बाद है स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी, फिर है स्मॉल टी। मैंने कैसे बनाया, पहले इधर से जाइए टी मिला, इधर से गए तो कैपिटल टी मिला, इधर से आए तो स्मॉल टी मिला, फिर इधर से गए तो कैपिटल टी मिला, इधर से आए तो कैपिटल टी मिला, फिर इधर से स्मॉल टी मिला, इधर से आए तो स्मॉल टी मिला, इधर से आए तो स्मॉल टी मिला। देखिए सारे गुण वही, यहाँ पर प्रभाविता का लक्षण पूर्ण रूप से पड़ रहा है, दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी हैं, और दोनों कैपिटल टी हैं तब भी ये शुद्ध पौना वो शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा है, टी टी जो लगा हुआ है क्या है शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है। और यहाँ पर इस कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर स्मॉल टी आ गया है तो ये संकर हो, क्योंकि वो भी है ये भी है, दोनों अगर हैं, ये क्या है दोनों हैं। मैंने यहाँ पर बताया था कि आपका सभी लंबे पौधे हुए थे, तो ठीक है लंबे पौधे हुए थे लेकिन संकर जात के हुए थे, उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं ये कैपिटल टी है तो इसका मतलब लंबा पौधा होगा, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, पहले इधर देखिए ये वाला कैपिटल टी है इसमें, तो ये क्या होगा कैपिटल टी से पहले पहले प्रभावी लक्षण पड़ेगा, कौन सा लक्षण प्रभावी, प्रभावी लक्षण कैसे मैंने कैपिटल होता है प्रभावी लक्षण टी है, और स्मॉल टी का मतलब वो अप्रभावित, अप्रभावित के लिए संकर है, इसका मतलब दोनों है, इसका मतलब दोनों है, लंबा तो होगा कैपिटल टी के लिए क्योंकि टॉल सबसे बड़ा टी है तो लंबा होगा, पर संकर जात का लंबा होगा, पौधा सब क्या होगा लंबा होगा। इसी तरीके से यहाँ से देखते हैं ये भी क्या होगा कैपिटल टी है तो लंबा पौधा होगा, स्मॉल भी टी है तो संकर जात का लंबा पौधा। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल टी है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर था सॉरी, यहाँ पर क्या है कैपिटल टी है स्मॉल टी है तो क्या होगा लंबा है संकर जात का लंबा है, यहाँ पर आपका स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अब दोनों स्मॉल हैं तो अप्रभाविता के लक्षण, इस पर अप्रभाविता के लक्षण पर दोनों स्मॉल हैं तो इसका मतलब क्या होगा ये शुद्ध रूप से बौना होगा, क्योंकि ये भी बौना दोनों बौने तो शुद्ध बौना, ये आपका शुद्ध बौना हो गया, क्या हो गया शुद्ध बौना। बाकी ये जो ये वाला टी और आई टी ये दोनों ये आपका लंबा होगा पर संकर जात का, तो ये था आपका F2 पीढ़ी में, कौन सा F2 पीढ़ी में, तो यहाँ पर हम कौन सा अनुपात पा रहे हैं, अनुपात हमको कौन सा मिल रहा था, पहले देखे थे प्राकृतिक रूप में पहला लक्षण देखे थे तो हमारा 3:1 मिला था, क्या मिला था 3:1 मिला था पहला, ठीक है 3:1 मिला था पहले में, और अगर लास्ट में देखते हैं तो हमारा क्या मिलेगा इसके बाद वाला अनुपात क्या था 1:2:1, 1:2:1, मतलब 1:1 और ये दोनों दो हुए हैं, मतलब हमारे लंबे संकर पौधे दो हो रहे हैं लेकिन शुद्ध लंबा पौधा एक हो रहा है, शुद्ध बौना पौधा एक हो रहा है, तो कुल लाइक 1:1 रेशियो में आपके हो गए ये इसका। और प्रथम पीढ़ी में थे 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में था पहला आपका, तो वो पहला था, तो इस तरीके से इसको हम बनाकर देखेंगे, बाकी ट्राई करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा आपका युग्मक वाला।
अब स्वतंत्र अभ्यून का नियम आता है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पढ़ लेना है आपको। स्वतंत्र अभ्यून का नियम वही, मतलब उसमें भी पृथकीकरण होगा आपका, युग्मकों का ट्रांस पृथकीकरण होगा। पृथकीकरण होने के बाद उसमें से आपका क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, उसमें आपका एक बात है कि आपका द्विसंकरण होगा। क्या होगा? द्विसंकरण होगा, और बहुत सारे दो या दो से अधिक पौधों को, उसमें से आपको स्वतंत्र अभ्यून में दो या दो से अधिक पौधों को लेना है, दो या दो से अधिक पौधों को लेना है और उसका संकरण कराना है। तो उसके बाद क्या बनना है वो चीज़ देखना है इसमें। तो चलिए उसको देख लेते हैं। स्वतंत्र अभ्यून का नियम, स्वतंत्र अभ्यून का नियम, स्वतंत्र अभ्यून का नियम आ गया। तो इसमें मतलब लिखने वाला बहुत है, आप देख लेंगे यहाँ पर। तो कुछ नहीं, आप इसमें दो या दो से अधिक पौधों का संक्रमण कराएंगे, ओ सॉरी संकरण कराएंगे। तो क्या करेंगे, तो वो दोनों मतलब पौधे जितने भी होंगे, इसमें हम पौधे को क्या करेंगे, दो दो से अधिक लेंगे और इनके जो जनकों का वंशों के रूप में सभी का हम एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि देखते हैं कैसी क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें द्विसंकरण कराएंगे और उसके बाद डिहाइब्रिड मतलब डिहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। तो एक बात इसमें ध्यान देना है, इसमें जो कोड यूज करना है हमें, एक वाई यूज करेंगे, जिसके लिए आपको ये वाई यूज करेंगे, एक आर यूज करेंगे, दो ये कैपिटल लेटर में हमें यूज करना है, ठीक है। तो एलोक मतलब पीला हो गया, ए आपका पीला हो जाएगा, ए आर का मतलब आपका राउंड हो जाएगा, मतलब गोल होगा। क्या होगा? गोल होगा। अब यही चीज़ स्मॉल वाई होगा और यही चीज़ स्मॉल आर होगा। अगर स्मॉल आई मतलब स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई आप समझ सकते हैं, स्मॉल वाई पीला वाला हरा हो जाएगा और आर वाला झुर्रीदार हो जाएगा। झुर्री रा रहा तो रा का आर याद रखिएगा, कैसे हम कोड को याद रखें, ये कोड हम यूज करेंगे अभी इस सारणी में। बाकी प्रश्न तो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आप सारणी नहीं समझ पाते हैं कैसे बनती है, तो मैं बनाना बता रहा हूँ, एकदम आसान से बना लीजिएगा। तो इसको हम बनाने चलते हैं, इसमें फिनोटाइप का हम करवाएंगे अनुपात। आपका ये अनुपात होगा 9:3:2:3 रेशियो में होगा, ये अनुपात में होगा आपका, लास्ट में ये होना है, ठीक है। इसमें प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पादप गोल तत्व पौधे बीज वाले रखेंगे और उसके बाद हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहले हम इस कैपिटल वाई स्मॉल मतलब कैपिटल कैपिटल सभी ले लिए और सभी इधर कैपिटल कैपिटल ही धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल लेना पड़ेगा। ये पहली स्टेज हो गई। क्या हो गई? पहली स्टेज हो गई मतलब पीढ़ी वन हो गई। क्या हो गई? पीढ़ी वन हो गई, ये जनक हो गया, ये क्या हो गया, जनक हो गया, ये प्रथम पीढ़ी पर चल गए। और प्रथम पीढ़ी पर चल गए तो हमें यही पता चल रहा है कि इसमें हम एक वाई अगर लेते हैं, एक आर लेते हैं, एक वाई वाला एक आर वाला, तो इधर भी एक स्मॉल वाई एक स्मॉल आर, ये दोनों हो गए। अगर हम दोनों युग्मक, इसमें से देखिए वाई युग्मक हो गया, आर युग्मक हो गया, क्योंकि ये पता ही है, इसमें यही कहेंगे कि इसमें दो युग्मक मतलब ये वाई युग्मक, ये भी दोनों तो वाई है, तो इसलिए वही दोनों आर है, तो मतलब वही लिखा जाएगा। युग्मक तो वाई आर ही है, इसमें युग्मक वाई आर है, स्मॉल वाई है, ये क्या है, स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है। तो इसका हम संकरण कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें देखिए ये कैपिटल वाई को यहाँ से लिए, तो यहाँ हमें स्मॉल वाई लेना पड़ेगा, यहाँ पर कैपिटल आर लिए तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमारा यही जो बनेगा पहला पीढ़ी, यही पहली पीढ़ी बनेगी, जिसमें देखिए इस आपका कैपिटल वाई मिल रहा है, तो कैपिटल वाई का आपको पता चला है कि पीला बनेगा। क्या बनेगा? पीला। तो यहाँ पर हम पीले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीले, और पीले होंगे उसके साथ वाई लिखा है, स्मॉल वाला वाई है, तो स्मॉल वाला आई है और कैपिटल वाला आर भी है। तो जो पहले प्रभाविता लक्षण होगा उसको पहले लिखें, प्रभाविता लक्षण मतलब जो कैपिटल 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 में वाई है पीला हो गया और आर है तो मतलब गोल हो गया, पीले गोल हो गए, पीले गोल को हम पहले लिखा। फिर उसके बाद हम अब लिख सकते हैं दोनों को जो बचे हुए हैं, तो यहाँ पर पीले गोल वाले प्रभाविता के लक्षण हैं, ये जो बचे हैं तो ये तो अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण को भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, अप्रभावी लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा पीले गोल पौधे होंगे सभी के सभी, क्योंकि देखिए मैंने इस वाई के देखिए वाई को लिया, पहले
वाई को लिया था तो इसमें स्मॉल वाई को लिया था, फिर इसमें बड़े आर को लिया था, इसमें छोटे आर को लिया था, तो ये बना। फिर भी मैं इसमें वाई को लेता हूँ तो इसमें इसको लूँगा, तो इसमें इसको लूँगा, तो फिर इसमें इसको लूँगा, मतलब कुल मिलाकर यही बनने वाला है बार बार, तो सभी के सभी यही बनेंगे। ये हो गया, ये हो गया क्या प्रथम पीढ़ी के रूप में। और जब प्रथम पीढ़ी में हो गई तो अब एफ टू पीढ़ी जो होगी, एफ टू पीढ़ी यहाँ पर आएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आर, इसको हम चलते हैं एफ टू पीढ़ी बनाते हैं, इसमें आएंगे क्योंकि वो बड़ा बोर्ड में आएगा, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। और किसका निकालना है हमें पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसी का हमें कराना है, इसी का हमें कराना है। ये हमारा पहली पीढ़ी पर ये पहुंचा, जनक से हमारा पहली पीढ़ी पर बच्चा वंश जो है ये इतना निकला, इस तरीके का क्या निकला, पीला गोल, पीला गोल निकला। तो पीला गोल निकला, पीला गोल बीज वाले को हम यहाँ पर संकरण कराते हैं, द्विसंकरण कराते हैं, स्वनिषेचन कराएंगे इसका। स्वनिषेचन कराने के बाद हमें देखते हैं, तो देखिए इसमें युग्मक जो होंगे, पहला ये कैपिटल आर है, ओ सॉरी कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई हो गया। फिर इसके बाद स्मॉल वाई है, तो हम इसे स्मॉल वाई लिख सकते हैं, लेकिन तो हमें पहले प्रभाविता वाला लक्षण को लिख देते हैं, इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसके साथ हम इसको देखते हैं, देखिए इसको बनाना था, उसमें जो भी बनाया ना तो उसमें बन सकता था, तो ये हम पहले इसको इसको लिखे, अब हम इसको इसके साथ लिख सकते हैं, इसको इसके साथ लिख सकते लिखे हैं, तो इसको इसके साथ लिख सकते हैं, सभी के साथ एक एक बार मिला लेना है। वाई को हम कैपिटल आर के साथ, अब इस बड़े वाई को हम लिख सकते हैं किसके साथ, छोटे आर के साथ, इसको इसके साथ लिख देते हैं, छोटे आर के साथ लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे वाई को बड़े वाई के साथ लिख सकते हैं, बड़े आर के साथ लिख सकते हैं, छोटे वाई को बड़े आर के साथ, और वाई को स्मॉल वाई को छोटे आर के साथ। ये हो गया, जिसके पहले हम बनाए थे उसी में से ये बनता है, लेकिन मैं इसको बनाने की कोशिश नहीं की, तो ये हो गया हमारा। इधर इधर देख लेते हैं, इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर, और आपका कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चीज़ ये हो गया। इसको कैसे बनाना है, मैंने बोला था पहले इधर का लेना है फिर इधर का लेना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल बड़ा वाई, तो यहाँ से बड़ा वाई, यहाँ पर बड़ा आर, तो यहाँ पर बड़ा आर, यहाँ पर बड़ा आर, तो यहाँ पर बड़ा आर, इस तरीके से बन गया। ठीक है, देखिए पहले इसमें का लेंगे तो इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे कि फिर इसमें, और इसको कैसे कराना है यार, पहले देखिए इसमें युग्मक को कराएंगे ना, देखिए एक युग्मक ये है तो एक युग्मक ये है, एक युग्मक ये है तो एक पहले युग्मक को पहले युग्मक से, दूसरे युग्मक को दूसरे युग्मक से कराए हमने, उसी तरीके से इसमें कराइए। पहले युग्मक का वाई है तो ये लिख दिए, यहाँ पर दूसरा युग्मक क्या है वाई है तो इसको मैंने वाई लिख दिया, फिर इसमें दूसरा युग्मक क्या है आर है तो इसमें मैंने आर लिख दिया, इसमें दूसरा युग्मक क्या है छोटा आर है, या सॉरी गलती हो गई, बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर है, क्योंकि हमें इसे जिस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में है ना, तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए छोटा वाई है, और तो इसी लाइन में अभी है, मैं इस यहाँ से यहीं पर जाना इसी लाइन में, छोटा वाई है तो छोटा वाई लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बड़ा वाई मिल रहा है तो बड़ा वाई लिख दिए, फिर यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा आर मिल रहा है तो बड़ा आर लिख दिए, फिर यहाँ पर बड़ा आर मिल रहा है तो बड़ा आर लिख दिए, अब यहाँ पर छोटा वाई मिल रहा है छोटा वाई लिख दिए, फिर बड़ा वाई मिल रहा है बड़ा वाई लिख दिए, फिर यहाँ पर छोटा आर मिल रहा है छोटा आर लिख दिए, इसी तरीके से बड़ा आर लिख दिए। अब हमारे साथ आप बोलते जाइए और बनाते जाइए, देखिए बनाएंगे बोलेंगे कैसे, पहले इसमें कर लेते हैं तो बड़ा वाई हो गया, फिर इसमें कर लेंगे तो बड़ा वाई है बड़ा वाई हो गया, फिर इसमें का इस कैपिटल आर मतलब बड़ा आर लिखेंगे, इसमें का छोटा आर है तो इसमें का छोटा आर लिख देंगे,
फिर यहाँ से उठाइए इसको, इसमें जाना है, तो बड़ा वाई हो गया, फिर यहाँ पर बड़ा वाई हो गया, यहाँ पर छोटा आर से छोटा आर हो गया, यहाँ पर छोटा आर से छोटा आर हो गया, इस तरीके से बना। यहाँ पर छोटा वाई हो गया, यहाँ से बड़ा वाई है, बड़ा वाई हो गया, और यहाँ से बड़ा आर हो गया, यहाँ पर छोटा आर है, छोटा आर हो गया, ये हो गया। बड़ा स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, बड़ा वाई हो गया, यहाँ पर आपका इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे, फिर छोटा आर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, यहाँ पर भी बड़ा आर, बड़ा वाई है, बड़ा वाई हो गया, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हो गया, और यहाँ पर छोटा आर है, छोटा आर हो गया, बड़ा आर है, बड़ा आर हो गया, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हो गया, यहाँ पर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई हो गया, यहाँ पर बड़ा आर है, बड़ा आर हो गया, यहाँ पर बड़ा आर है, बड़ा आर हो गया, यहाँ पर देखिए छोटा वाई है, छोटा वाई हो गया, बड़ा वाई है, नहीं छोटा वाई है इसमें भी है, फिर छोटा आर है, बड़ा आर है, बड़ा आर हो गया। उसके बाद इधर से फिर से देखते हैं, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा देखिए यहाँ पर वाई, वीडियो स्टॉप हो गया था लिखते लिखते, पर मैंने बना दिया, आपको पता ही होगा कैसे, पहले एक युग्मक इसमें का लेंगे, फिर एक युग्मक इसमें का, फिर एक युग्मक इसमें का, फिर एक युग्मक, बाकी सब बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कैसे, यहाँ पर जो कैपिटल होगा पहले उसी का नाम आएगा, यहाँ पर कैपिटल देखिए कैपिटल वाई वाई है, तो कैपिटल वाई मतलब पीला ही है, और ये कैपिटल आर पीला गोल हो गया, इसमें भी पीला बड़ा है, और आर बड़ा है, तो बड़े वाले का प्रभावी लक्षण होगा, तो बड़े वाले का नाम लिखेंगे, जब बड़े वाला नहीं होगा तब हम छोटे वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर पीला है, गोल है, ये भी पीला है, गोल है, क्योंकि वाई वाला पीला है और आर वाला गोल है, इसमें यहाँ पर भी पीला बड़ा है और गोल बड़ा है, यहाँ पर भी पीला बड़ा है, गोल बड़ा है, पीला बड़ा है, पर यहाँ पर गोल नहीं बड़ा है, यहाँ पर क्या है, हरा वाला पड़ा है, वो झुर्रीदार पड़ा है, तो यहाँ पर पीला है पर झुर्रीदार है, यही चीज़ समझना। यहाँ पर भी देखिए पीला है, गोल है, क्योंकि वाई बड़ा है, आर भी बड़ा है यहाँ पर, लेकिन आपका छोटा वाई है, तो इसका मतलब हरा है, और साथ ही साथ बड़ा वाला आपका वो है, तो इस तरीके से इसको समझेंगे। वीडियो का जो स्पेस है कम बन रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसमें बताऊंगा नहीं, पर आप पूरा जोड़ेंगे तो पीला गोल वाला 9 निकलेगा, और हरा गोल वाला 3 निकलेगा, और पीला झुर्रीदार वाला 3 निकलेगा, हरा झुर्रीदार वाला 1 निकलेगा, यहाँ पर इसका रेशियो इस तरीके से होगा। इसमें देखिए, क्योंकि इसमें देखिए वाई 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 का मतलब होता है हरा, और आर 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 का मतलब होता है झुर्रीदार, तो इसमें होगा हरा झुर्रीदार, ये होगा केवल 1 होगा, और यहाँ पर 9 होगा टोटल, अगर पीला गोल ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर भी पीला है और आर है, तो पीला गोल हो गया, ठीक है, यहाँ पर वाई वाई है तो इसका मतलब हरा है, उसके साथ साथ कैपिटल आर है तो इसका मतलब आपका गोल है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इतना था वीडियो में, अगली वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट लाते रहते हैं सभी तरह के, हरे सर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी तैयारी करा के मतलब आपको कमेंट भी कर देना अच्छे तरीके से, अगर नीक लगे तो बोलते हैं ना, ओके चलते हैं, फिर आ जाना चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर लेकर आऊँगा, निषेचन परागण जो भी हो उसको लेकर आऊँगा, बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आते हैं भौतिक विज्ञान में ना उसको हल करा रहा हूँ। चलिए आइए जल्दी से, फिर वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, ओके नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।